पिछोर भोंती क्षेत्र के किसान परेशान होकर आज अपनी समस्या को लेकर बिजली घर में भाजपा मंडल महामंत्री हनुमत सिंह लोधी के साथ एकत्रित होकर बिजली घर में अपनी समस्या से अवगत कराया। जब किसान अपनी समस्या लेकर बिजली घर पहुंचे, उस वक्त जेई और डीई दोनों अधिकारी अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। जैसे ही किसानों को एकत्रित भीड़ देखी तो वे अपनी जिम्मेदारियों से दरकिनार होते हुए गाड़ियों में बैठकर रफू चक्कर हो गए। मजबूर किसानों को अपना आवेदन बाबू को देना पड़ा। किसानों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश तो की, पर वाई पावर हाउस पर काम चलाने का हवाला देते हुए निकल गए। इससे किसानों काफी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने बिजली घर पर विद्युत कर्मचारी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। किसानों की मांग है कि जब से जेई राहुल गौतम आए हैं तभी से बिजली व्यवस्था को खराब किया गया है और जेई की भाषा शैली भी ठीक नहीं है। इससे किसानों ने आगे आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली और इस मौके पर भाजपा मंडल महामंत्री हनुमत सिंह लोधी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रमेश लोधी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष रिंकू कुड़े, संतोष मिश्रा, जगदीश राजपूत, अर्जुन सिंह राजपूत, उप सरपंच सुरेश कुमार सोनी, श्रीपत महेंते, देवेंद्र निकरा, नरेंद्र राजपूत, लव राजपूत, ललन सिंह आदिवासी बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। रिपोर्टर दीपक निकोती, पिछोर। अभी आप जो बिजली घर भोंती में आए हुए हैं, किस बात को लेकर आए? लाइट की समस्या है, लाइट नहीं आ रही, किसान फसल सूख रही है और लाइट केवल 4-5 घंटे आती है। किसान क्या मर जाए क्या? आपका नाम? रमेश कुमार लोधी जी। रमेश जी, आप विद्युत घर आए थे, क्या कारण है और किस बात को लेकर आए थे? हमारे ग्राम मनपुरा में लाइट की, किसानों को थोड़ी लाइट की समस्या आ रही है, लाइट नहीं मिल रही है, लाइट दिन में बिल्कुल नहीं आ रही है और किसानों की फसलें बिल्कुल नष्ट हो रही हैं सूखकर। इसलिए हम लाइट की मांग करने यहाँ बिजली सब स्टेशन बहुत ही पर आए हैं, सभी लोग ग्रामवासी और किसान, हम अपनी समस्या का हल करवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ। जहाँ एक और भाजपा की सरकार, आदरणीय शिवराज सिंह जी कहते हैं कि 24 घंटे बिजली मिल रही है किसानों को और फ्री में बिजली मिल रही है, तो अभी आपको कितनी बिजली मिल रही है? हमें दिन में तो अभी आ नहीं रही है लाइट, रात से नहीं। कितने घंटे मिलती है? 8 या 10 घंटे से ज़्यादा तो मिल नहीं पाती है, कभी कभी बीच में कट हो जाती है और दिन में अभी आजकल बंद चल रही है, दिन में नहीं मिल रही है। तो अभी आप चाबी घर बिजली विभाग में आए थे तो आपको क्या आश्वासन दिया, कौन मिला? हमें डी साहब मिले थे, अभी मिल गए थे, वो वहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे, उनसे भी हमने बोला, सभी लोगों ने, उन्हें क्या सुधार करवाएंगे हम, लेकिन हमारा ये कोई आश्वासन ऐसा दे के चले गए, बाकी का उनने कोई उसका हल नहीं निकलवाया कि हम इतने घंटे बिजली कल से देंगे या आज से देंगे, ऐसा कोई निश्चित रूप से उन्होंने कोई हल नहीं निकाला। आपका नाम? मेरा नाम रिंकू कोड़े है और मैं अनुसूचित जाति मोर्चे से मंडल अध्यक्ष हूँ पिछोर से। साथ ही हमारे हनुमत सिंह लोधी जी हैं जो अभी भोंती मंडल से महामंत्री हैं, भाई साहब हैं रमेश भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष हैं भोंती मंडल से, और लगभग लगभग पूरे गाँव के लोग हैं जो आज आए थे भोंती बिजली विभाग ऑफिस, जो लाइट को समस्या को लेकर, लाइट लगभग लगभग मनपुरा क्षेत्र में आती ही नहीं है और अगर आती है तो थोड़ा बहुत झलक दिखा के चली जाती है, और अगर उसमें भी अगर घंटे दो घंटे रुकती है तो वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जिससे ग्रामवासी बहुत ज़्यादा ही परेशान है। इसी कारण हम लोग आज बिजली ऑफिस आए थे बहुत ही, जो कि अधिकारी लेवल के लोग थे वो मिले हमें, पर उनने झूठा आश्वासन देख के हम लोगों को निकल गए, शेड्यूल का बहाना बना के, इधर उधर का बहाना बना के यहाँ से ऑफिस में बैठे हुए थे, हमें देख के निकल गए। ये मेन समस्या है बिजली की आज की। तो अभी आप लोगों को कोई आश्वासन दिया तो होगा? नहीं, वो ही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को देखकर, गांव वासियों को देखकर एक आवेदन भी लेके आए थे हम, हमारे महामंत्री जी हनुमत सिंह लोधी जी भाई साहब महामंत्री, जो उनने आवेदन भी नहीं लिया, गाड़ी में लेते लेते अपने बाबूजी को पकड़ा के और निकल गए, कोई आश्वासन भी नहीं दिया ऐसा ठोस कि जिससे कि हमको लगे कि हाँ सुधार हो सकता है लाइट में।